नेक्स्ट सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकंड, गिवन दैट एच एंड के आर सबग्रुप्स ऑफ जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज सबग्रुप ऑफ जी। इसलिए हम यहां से क्या बोल सकते हैं, एच इंटरसेक्शन के जो है इज सबग्रुप ऑफ एच भी बनेगा। ठीक है, यहां से नाउ एच इंटरसेक्शन के इज सबग्रुप ऑफ जी, सबग्रुप ऑफ एच, एंड एच डैश इज नॉर्मल सबग्रुप, ऑफ एच, देन बाय डायमंड आइसोमोर्फिज्म, थ्योरम। डायमंड आइसोमोर्फिज्म थ्योरम से हम क्या बोलेंगे कि एच इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन एच डैश इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये वाली बात बनेगी। अब यहां से और मैं क्या बोल सकता हूं, देखना, के इंटरसेक्शन एच डैश नॉर्मल सबग्रुप बनेगा एच इंटरसेक्शन के का, और यहां से हम लिख सकते हैं कि एच डैश इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सबग्रुप बनेगा एच इंटरसेक्शन के का। बोथ साइड अगर मैं के डैश से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, एच डैश इंटरसेक्शन के और के डैश इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच इंटरसेक्शन के और के डैश। यही बात आपको प्रूव करनी थी। ये बनी इक्वेशन नंबर टू। ये अपना सेकंड जो स्टेटमेंट था वो हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, आगे हम थर्ड को बारे थर्ड के बारे में और लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर समझा दूंगा मैं सारी चीजें। सिंस एच इंटरसेक्शन के डैश एंड एच डैश इंटरसेक्शन के आर नॉर्मल सबग्रुप, ऑफ एच इंटरसेक्शन के, सो एच इंटरसेक्शन के डैश इंटू एच डैश इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू एल इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच इंटरसेक्शन के, सो एच इंटरसेक्शन के अपॉन एल इज कोसेंट ग्रुप, नाउ लेट अस डिफाइन ए मैप फाई फ्रॉम एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश से लेकर के
और एच इंटरसेक्शन के अपॉन एल तक, यहाँ तक हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं सच दैट फाई ऑफ एक्स वाई इजिकल टू क्या बनेगा, एक्स एल बनेगा, जहाँ पर x तो कहाँ से आ रहा है अपने पास, h इंटरसेक्शन k के अंदर से आया है, एंड y कहाँ से आया है, h डैश के अंदर से आया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे फोर होमोमोर्फिज्म, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, फोर होमोमोर्फिज्म, लेट एक्स वाई एंड एक्स वन वाई वन बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश, इंटू एच डैश, देन फाई ऑफ, फाई मैपिंग मानी थी हमने, हाँ फाई मैपिंग मानी थी, देन फाई ऑफ एक्स वाई एक्स वन वाई वन इजक्ल टू क्या बनेगा, फाई ऑफ एक्स एक्स वन इनवर्स इंटू वाई एक्स वन इनवर्स एक्स वन वाई वन एक्स वन ये बनेगा अपने पास, उसके बाद बनेगी वैल्यू फाई ऑफ एक्स एक्स वन इंटू एक्स वन इनवर्स वाई एक्स वन इंटू वाई वन, वैल्यू बनेगी फाई ऑफ एक्स एक्स वन वाई टू वाई वन, और यहाँ से वैल्यू बनेगी एक्स एल इंटू एक्स वन एल, जो कि ये तो किसकी वैल्यू बनेगा अपने पास, फाई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू बनेगा, और ये किसकी वैल्यू बनेगा, फाई ऑफ एक्स वन वाई वन की वैल्यू बनेगा। इधर हमारे पास वैल्यू थी फाई ऑफ एक्स वन वाई वन, फाई ऑफ एक्स वाई इंटू फाई ऑफ एक्स वन वाई वन, सॉरी फाई ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वन वाई वन की वैल्यू क्या बनेगी, फाई ऑफ एक्स वाई इंटू फाई ऑफ एक्स वन वाई वन, इसका मतलब क्या है, दैट इज फाई इज होमोमोर्फिज्म, फाई इज होमोमोर्फिज्म, ये अपने पास है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी में होमोमोर्फिज्म के बाद ऑन टू के लिए, तो फोर ऑन टू मैं बोलूंगा फोर ईच, ये फोर एवरी एक्स एल बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के अपॉन एल, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश such that phi of x y, phi माना पीछे phi of x y is equal to क्या बनेगा, x l बनेगा, that is phi is onto,
फाइव ऑन टू, फाइव ऑन टू का मतलब है कि फाई ऑफ एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश की जो वैल्यू बनेगी वो किसके बराबर बनेगी, एच इंटरसेक्शन के अपॉन एल के इक्वल बनेगी। ये अपने पास इक्वेशन काम की। ठीक है, अब हम लिखते हैं बाय डायमंड ओ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो अगले वाले में लिखते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बनेगी अपने पास, मैपिंग देखो पहले तो क्या लिखी हुई है। मैपिंग है अपने पास ये रही फाई फ्रॉम यहां से लेकर के यहां तक, डोमेन अपने पास ये है, कोडोमेन ये है। तो फाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती है, डोमेन अपॉन कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ दिस, एफ ऑफ डोमेन। तो हम क्या लिखेंगे, एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश इज आइसोमॉर्फिक टू अपॉन कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू इसकी इमेज। तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ डोमेन की इमेज। डोमेन की इमेज क्या है, एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश है, इंटू एच डैश। ठीक है, ये अपने पास होमोमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आई है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर, पीछे वाले को इक्वेशन नंबर दिया है कुछ, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर वन। ये जो बनी है वो बनी है इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन में देखना, इक्वेशन नंबर टू में देखना, ये लिखा है फाई ऑफ एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश, और यहाँ पर है फाई ऑफ एच इंटरसेक्शन इंटू एच डैश की वैल्यू क्या बनी है, एच इंटरसेक्शन के अपॉन एल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन और टू में क्या लिख दूंगा, तो फ्रॉम